वेलकम बैक टू अनदर ओके टेस्टेड वीडियो। और आज की वीडियो में वी गोना ट्राई मोस्ट एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स इन इंडिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि आज की वीडियो का सोल एंकर मैं खुद हूं। ब्रो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल मैन सिटिंग अलोन मैन एंड सेइंग स्टफ। ओ भाई अब लिटरली मुझे पत्ता गोभी खिला रहे हो ब्रो कैमरा के सामने उबाल के। हार्पिक वर्क में डाल दिया गया क्या इसमें? रहता क्या हूं यार, बोल बोल गए, एक में सांस लेने दो यार। मैं सारी तरीके की सब्जियां खा लेता हूं, मतलब जो इंडियन हाउस होल्ड में पाई जाती हैं। बट करेला मैं नहीं खा सकता, करेले का जूस मैं नहीं पी सकता हूं, करेला और मेरा रिश्ता थोड़ा अलग है। Have you ever been to a market to buy vegetables? यार मेरे को बहुत ही बेकार काम लगता है यार, मतलब मैं बहुत बचपन में ऐसे फ्राइडे मार्केट वगैरह जाया करता था और वहाँ पे मैं अच्छी बार्गेनिंग भी करता था, बट आई पर्सनली डोंट लाइक बाइंग वेजिटेबल्स, तो मेरे घर पे कोई और लेके आता है। मतलब तेरे को रेगुलर सब्जियां लाइक टमाटर आलू इन सब का भाव नहीं पता है कितने का? आलू का देखो, अच्छा मैं गेस करता हूँ, आलू इज आई थिंक 10 rupees अ केजी और टमाटर इज 70-80 rupees अ केजी, प्याज इज लाइक 50-60 rupees अ केजी, बट वो चेंज होते रहता है। मुझे ज़्यादा एग्जॉटिक सब्जियों के बारे में पता नहीं है, बस वो एस्पैरगस पता है मेरे को, केल मेरे को पता है, वो अलग अलग वो बहुत महंगे वाले मशरूम आते हैं वो मेरे को पता है। गाइस प्लीज़ खाना ले आओ। भाई मैं सही बताऊँ, ये मेरी पिछली सोसाइटी में ना झाड़ियों में लगता था भाई। इट स्मेल्स लाइक स्प्राउट्स, अगर आपने कभी स्प्राउट्स को स्मेल किया है तो एग्जैक्टली वैसा स्मेल कर रहा है। इसके जो पत्ते हैं वो हार्ट शेप के हैं। इट टेस्ट्स एग्जैक्टली लाइक मूली एंड मूली इज रेडिश, सो दिस इज लीफ रेडिश आई थिंक। इट्स एक्चुअली पर्पल रेडिश माइक्रोग्रीन, बट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मैंने पहले पत्ता खाया तो मेरे को नहीं लगा, बट अब ये पैलेट पे आके बैठ गया है। मूली जो है ना वो भी बहुत डोमिनेंट सब्जी लगती है मेरे को, लगता है कि जब वो आती है मुंह के अंदर तो आगे से भी डोमिनेट करती है और फिर बाद में पीछे से भी डोमिनेट करती है। इसको किस चीज में यूज करते हैं? लेकिन मोस्टली कॉन्टिनेंटल फूड, इसकी ड्रेसिंग में जाता है। इट्स नॉट, यू डोंट कुक दिस फूड, दिस इज ईटन रॉ। इसको बस गार्निशिंग के लिए, ऊपर से ऐसे बस दिखाने के लिए कि भाई हम महंगा रेस्टोरेंट है, तुम ले लो और 50,000 rupees दे दो हमें, तो दिस इज यूज फॉर दैट। व्हाट डू यू थिंक द प्राइस वुड बी ऑफ दिस थिंग? 70 rupees फॉर आई थिंक 500 grams, बट यार मैंने ये कभी देखा नहीं है तो मैं इसका प्राइस बढ़ा रहा हूँ 500 rupees। The real price for this is 50 grams is for 100 bucks। ओ भाई हाँ, तो 1 gram 2 rupees का है। ओके दिस इज टू एक्सपेंसिव मैन। अब मुझे समझ आ गया कि ये महंगे रेस्टोरेंट्स कैसे बेचते हैं अपना खाना। ये देखो लाइक दिस, ऐसे इसको गार्निश करके समोसे के ऊपर डाल के दे दिया और वो समोसा आपका फिर 400 rupees का हो गया। मेरी तरफ से इसको 3 number मिल रहे हैं, I don't like this। ये तो पोकेमॉन जैसा लग रहा है भाई, ये एकदम ऐसा नहीं लग रहा है, सही बताओ भाई। बस कलर में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन पिछली बार जो हमने वीडियो करी थी 15 टाइप ऑफ वेजिटेबल डिशेस दैट वर नॉट पनीर, अगर आपने नहीं देखे तो इधर उधर कहीं आ जाएगा, उसमें आई थिंक हमने ये खाया था। ये मुझे लगता है चाइनीज क्विजीन में जब आप कोई सूप पीते हो या कुछ ऐसी चीजें वो पीते हो तो उसके अंदर आई थिंक ये पाया जाता है। इट एक्चुअली स्मेल्स डेड, एज इफ समथिंग हैज डाइड, लाइक अ रैट। पहली बात ये क्रंची तो है, ठीक है। एशियन क्विजीन में कुछ भी ऑर्डर करते हो, सपोज आप करी ऑर्डर कर रहे हो या फिर जब आप नूडल्स ऑर्डर कर रहे हो जिसके अंदर ये चीज़ होती है, तब ये मस्त लगता है खाने में। लेकिन अभी जब इसको बॉयल करके सौते करके खा रहे हैं, आई डोंट थिंक दिस इज, और सौते में भी अगर और वेजिटेबल्स होती तो ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता था, बट अभी ये अकेला तो ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, नॉट स्वीट नॉट सॉल्टी, आई थिंक इट्स अ बिट सार। जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ये घास है, इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक स्पिनच। ये है पॉक चॉय, मैंने पॉक चॉय खाया है, मैंने इसका नाम भी सुना बट मेरे को पता नहीं था कि ब्रो अभी मीठा टेस्ट आ रहा है। 300 rupees का होगा ये एक, आई एम गेसिंग। 300 for 2 pieces। ओके वंस इन अ वाइल ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान अगर आपके साथ है जिसको एशियन क्विजीन बनाना आता है वो बोले पॉक चॉय ले आओ कॉन्फिडेंस का तो ले जाना, लेकिन अगर आप खुद ट्राई कर रहे हो पहली बार तो भाई आपके 300 rupees पानी में चले जाएंगे, क्योंकि आपसे पकेगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि इनसे भी नहीं पका है। This looks very beautiful and I'm pretty। इसका स्किन केयर रूटीन है भाई अपना, ये रात में ऐसे वो लगाता है बहुत सारी चीजें, मॉइस्चराइजर भाई, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है इसका। देखो कैसे शाइन मार रहा है भाई, अंदर सड़ा हुआ है भाई। What? Guys, don't judge a book by its cover।
एकदम उसकी तरह स्मेल कर रहा है भाई, आलू जैसा, कद्दू जैसा है ये, बहुत ही ज़्यादा गूई है। सो इट टेस्ट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक आलू एंड कद्दू। या कॉल्ड बटरनट स्क्वॉश। नाइस में बटर है, नाइस में नट है, नाइस में स्क्वॉश है। लेकिन इसका नाम बटरनट स्क्वॉश है, मैंने इसका नाम आज तक लाइफ में कभी नहीं सुना। इसका आप एक्चुअली शेक शायद बना सकते हो, इसको आप डेजर्ट में डाल सकते हो। इसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो अकेले नहीं है, आप समझ रहे हो। अमेलगमेशन, जब आप अमेलगमेशन करोगे ना अलग चीज़ों के साथ, तो ये बहुत सही लगेगा। आई थिंक दिस इज फॉर 500 a piece. This is actually 1000 bucks a piece. भाई साहब क्या बात कर रहे हो। ऐसे individually तो it doesn't taste nice, but I'm pretty sure it tastes nice with other things. Next. So this is basically a mushroom. और एक बार पता है को मैं मशरूम बना रहा था और मैंने हमेशा मशरूम को ना यहाँ से देखा था, कभी मैंने मशरूम को यहाँ से नहीं देखा था। और उस दिन मैंने पूरा का पूरा मशरूम फेंक दिया, क्योंकि ये देखने में इतना गंदा लगता है। मशरूम इज अ फंगस। और मैंने ये भी देखा कि मशरूम को आपको पकाने के लिए ना उसको पील करना होता है। तो जिस जिसको नहीं पता, ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। ये देखो मशरूम के कपड़े उतारने पड़ते हैं भाई, ऐसे नहीं बनता मशरूम। और इसके स्टेम को निकालते हैं तब बनता है प्रॉपर मशरूम। ये देखो है ना, लेकिन इसके स्टेम को भी आप खा सकते हो। बट आई रियली लाइक मशरूम यार, आई लाइक चिली मशरूम, आई लाइक सूप मशरूम, आई लाइक मशरूम सैंडविचेस, आई लाइक मशरूम रोल्स, आई लाइक मशरूम की सब्जी, और आई लाइक टू हेलुसिनेट ऑन मशरूम्स। इट इज वाइल्ड बिग मशरूम। दिस इज कॉल्ड पोर्टोबेलो मशरूम। पोर्टोबेलो मशरूम, ओ भाई ये तो ऐसा लग रहा है सीधा आप मतलब ये खरीदने जाओगे, भैया भैया आपके पास पोर्टोबेलो मशरूम है, सीधा ऐसे फ्रिज के अंदर से गॉर्डन रैम से निकल के दे देगा आपको, एकदम ऐसा नाम है इसका। तो इट इज वेरी चूई, इसके अंदर भी जूस है, मतलब मेरे को पता नहीं इसके अंदर पानी वानी होता कि नहीं होता है, बट इसको जिस भी चीज में कुक किया हुआ है इसने उसके उसको अंदर चूस लिया है। ये होगा, ये भी बहुत महंगा होगा ब्रो, 1500 आई थिंक, आई एम गेसिंग, मतलब 1 kg, 1 kg का प्राइस ऑफ दिस मशरूम इज एक्चुअली 1000 rupees पर kg। बढ़िया, काफी सही है। इसको आप ऐसे भी देखोगे चू करते हुए, ये दांतों की तरह टाइम लगता है थोड़ा। भाई तो मटर वटर दे दिए, क्या ये भाई, ये पता क्या है, एकदम दिवाली पे ऐसी लाइट आती है भाई घर पे। नहीं, ये प्रॉपर जंगली सब्जी है भाई, ये पक्का आई एम प्रीटी श्योर ये ऐसे गार्डन में नहीं उगाई जाती होगी, ये पेड़ वेड़ से उगती होगी भाई, ऐसे खतरनाक एरिया में। मिक्स अचार जो आता है ना, जो ऐसे जो डब्बे वब्बे में अचार आता है, उसके अंदर ऐसी चीज होती है ब्रो। हाय, ओह माय गॉड, द फक इज दिस मैन, कहां से एग्जॉटिक है ये? ये पूरा जला हुआ है ब्रो, दिस इज लाइक अ बर्नट थिंग ब्रो, दिस इज वेरी बैड मैन, ये क्यों है ये, व्हाई डज दिस एग्जिस्ट मैन? जितने भी जानवर होते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ खाते हैं भीड़ इलाके से, कोई भी जानवर ये नहीं खाता होगा आई एम प्रीटी श्योर, इसलिए ह्यूमंस ने सोचा भाई ये मिल रहा है तो उसको महंगे में बेचो। क्या ये? इट्स कॉल्ड पी ऑबजीन। मैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी बेचना हो ना उसमें ऑबजीन शिमरॉन ये सब डाल दो बिक जाएगा ब्रो। बैंगन मैंने खाया, मेरे को बैंगन बहुत सही लगता है ब्रो। ये किसी कोई एंगल से ये बैंगन का वर्जन नहीं है, आप ही खा के देखोगे। खा ले चबाइयो, ठीक है, चारों चबाना, चल चल चल, 1 2 3 एंड एक्शन। हाँ चबा 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 चबा, रिएक्शन। ब्रो ये सही में बहुत अजीब है ब्रो, वो बंदी बाथरूम चली गई भाई, वो भी आगे खुल ले। कभी भी ना आपने बहुत सारी शराब पी रखी, आपको उतारनी हो ना ये खा लेना, पक्का उल्टी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ 100%। आई डोंट नो मैन, इसका 200 rupees फॉर लाइक 200 grams, इट्स 135 rupees फॉर 100 grams, 135 फॉर 100 grams, ओके, बट दिस इज सो बैड मैन, इट्स लाइक यू आर ड्रिंकिंग टार और समथिंग। अंशुमन डजंट लाइक दिस, क्योंकि नहीं देखना उसे गन्ने के खेत यार। ओ भाई ये नीचे से एकदम स्प्रिंग अनियन जैसा लग रहा है, एग्जैक्टली लाइक स्प्रिंग अनियंस। ये प्याज का चाचा लगा है, प्याज का लंबा चाचा, जाहे ने लटक लटक के अपनी हाइट बढ़ा ली। बट दिस इज वेरी सैटिस्फाइंग टू कट। अलग रहा प्याज ने पाद मार दी ब्रो, भगवान को, ओ माय गॉड, चाहिए ना तुमको, ऐसे में जाओ, आ जाओ
आ जाओ मेरे को मैसेज भेजो, मैं तुमको जॉब दिलाऊंगा ये वाली। इसका नाम क्या है? So basically this is called leak. लीक मैं बोल रहा हूँ, पाद लीक हो गया ना प्याज का, काफी यूज हो जाएगा ये तो, मतलब हाँ ये यहाँ तक यूज होगा भाई। कहाँ तक यूज होगा ये? ये यहाँ से चालू होगा, यहाँ तक कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक यूज कर सकते हो आप इसको। 200 का वन डंडा। This is 150 for two piece. 150 for two? Okay. मुझे लगता है मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मेरी सोच भी बड़ी हो चुकी है यार। मेरे को वैसे स्प्रिंग अनियंस काफी सही लगते हैं। I also am a big onion fan. Bro, ये कच्चा ही था, सही था। हार्पिक वर्क पर डाल दिया गया क्या इसमें? कच्चे में ना क्रंची है, जब इसको पकाया है ना तो ये बहुत गुई हो गया है, समझ रहे हो? और ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये तो ब्रो मेरे को लेटिस लग रहा है, ये 100% सैलड में यूज होता होगा या फिर कुछ भी सैंडविचेस में। कोरियन क्यूजीन में किमची एक तरह का सैलड है, ये उसमें डलता है, बनता है, इससे वो बनता है किमची। ये तो एग्जैक्टली वो, ये पॉक चोय है भाई, ये पॉक चोय, ये तो मैं दोबारा क्यों मैं नहीं खाऊंगा ये पूरा खाना। वाओ क्या पॉक चोय है, मुड़ गया भाई, ये हर जगह से मुड़ रहा है, ये क्या है ये? अब ये क्या? ओह माय गॉड, फोक को भी नहीं खाना है, फोक को भी नहीं खाना, सही में फोक नहीं, मना कर दिया भाई, छोड़ दे ब्रो, सॉरी ब्रो, नूडल की तरफ चलते हैं। भाई मेरे को पक्का यकीन है एकदम पॉक चोय जैसा टेस्ट करेगा। एग्जैक्टली पॉक चोय जैसा है ब्रो। दिस इज कॉल्ड चाइनीज कैबेज। चाइनीज कैबेज? अब लिटरली मुझे पत्ता गोभी खिला रहे हो ब्रो कैमरे के सामने उबाल के। तो यार ये मेरे हिसाब से भाई ये बहुत बड़ा है ब्रो, और इससे बहुत सारी चीजें, इट्स लाइक सुपर हैवी। 350 रुपए का है ब्रो ये। फर्स्ट टाइम मैंने बहुत सारी चीजें इसमें से पहले ट्राई भी नहीं करी थी, विच वॉज न्यू। बट सब्जियां ओवरऑल यार कच्ची तो मेरे से नहीं खाई जा सकती, एंड आई वुड ऑल्सो नॉट सजेस्ट दैट यू ईट, बट आई एम प्रीटी श्योर व्हेन यू ट्राई दीज थिंग्स इन अ रेस्टोरेंट और यू गो आउट एंड यू ट्राई दीज थिंग्स तो आपको सही लगे यार। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज दोस्तों प्लीज हमें लाइक की बहुत जरूरत है, ठीक है? इतनी मेहनत करते हैं यार, इतनी सारी सब्जियां खा रहे हैं, कच्ची कच्ची तो मार लिए, तुम्हारे सामने गाय बन रहे हैं, बकरी बन रहे हैं, भाई प्लीज लाइक का बटन को ठोक दो। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि आपने कौन सी ऐसी एग्जॉटिक वेजिटेबल कभी भी लाइफ में ट्राई करी है, बिकॉज आई एम रीडिंग ऑल द कॉमेंट्स। एंड इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, स्लैप योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। And please share this video with all your non-vegetarian, vegetarian, vegan and other friends. Okay, bye. Take care. Vegetarian Kanki off.